ट्रक मामले दे विच कार्रवाई नूं बदलाखोरी दी सियासत वजो दस्या जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल ने डीजीपी दी नियुक्ति नूं लैके पंजाब दी सरकार ते सवाल चुके कि कानून दी प्रक्रिया च इस तरह दी धक्केशाही दे मायने की ने, क्योंकि नवां नवां परचा बिक्रम सिंह मजीठिया ते जो दर्ज होया है। पंजाब च सब तो वड्डे नशे दे मुद्दे ते वड्डी कारवाई हुई ता सब तो पहला श्रोमणी अकाली दल दे वड्डे लीडर विक्रम मजीठिया ते नशे दे मामले च एफआईआर दर्ज हुई। सियासी वार पलटवार दा दौर भी तेज हो गया। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इस नूं सियासी साजिश दस्या ते कहा कि बदलाखोरी दी सियासत दे तहत एक कारवाई की गई है। साडी सरकार आउण ते सारे जिन्ने झूठे केस असी इन्वेस्टिगेशन करावांगे ते जेड़े पुलिस अफसर ने ते जेड़े सियासी लीडर ने जिंदगियां बर्बाद कीतियां गरीब बंदियां दियां पॉलिटिक्स करके सियासत करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੱਤੋਪਾਧਿਆ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਆ ਗਿਆ ਭੁਗਤਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ। ये हिस्टरी वेख लो भी डीजीपी जिहड़ा हुंदा है उहनूं ऐ बदलिया नहीं जांदा, सिर्फ इस करके कि बादलां नूं ते मजीठे नूं फड़ के अंदर इस तरह बदलाखोरी की जिहड़ी नीति है एक कोई जिहड़ी सरकार करदी है उहनूं खमियाजा भुगतना पैंदा। हर तरह नाल श्रोमणी अकाली दल नूं कमजोर करना चाहुंदियां, पंजाब नूं कमजोर करना चाहुंदियां। आम आदमी पार्टी दे सह इंचार्ज राघव चड्ढा ने भी कहा सरकार ने हुण तक नशे दे मुद्दे ते कुछ नहीं किया ते हुण चोणां नेड़े आउण करके लोकां नूं धोखा दिंदिया मजीठिया ते एफआईआर दर्ज कीती गई है। अब चुनाव को करीब आते देख एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा झूठ पंजाब के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इलेक्शन स्टंट चन्नी सरकार कर रही है ये एफआईआर दर्ज करके। मजीठिया खिलाफ हुई एफआईआर ते नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट कर लिखा जदों तक ड्रग माफिया दे मुख दोषियां नूं मिसाली सजा नहीं दित्ती जांदी उदों तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ए सिर्फ एक पहला कदम है, सजा मिलन तक लड़ांगे जो पीढ़ियां लई रोधक दा काम करदा है। फरवरी 2018 दी एसटीएफ रिपोर्ट दे आधार ते नशिया दे कारोबार दे मुख दोषियां खिलाफ पंजाब पुलिस दी क्राइम ब्रांच एफआईआर दर्ज की गई है, जिस जिमे 4 साल पहला ही मांग की थी। उन्होंने सारे ताकतवारा दे मुंह ते चपेड़ा जो मुद्दे सालों तो सुते पए हन, आखिरकार हुन सत्ता अते प्रभाव दे औहदियां दे भरोसे योग अफसरां नूं नियुक्त करन तो बाद पहला कदम चुकिया गया है। जो ईडी दा जो एसटीएफ दा वो सारी चीजां दा वेरवा उहदे च दर्ज किया गया ता कि कोई ए ना कहे कि इन्हां ने बहुत जल्दी दे विच इन्हां ने कोशिश की कि किसी नूं फसाउण दी। देखो एक चीज मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा कि किसी दे उत्ते गलत परचा होना यह बहुत माड़ी गल है, जे जे होया तो असीं प्रूव करांगे। नशियां दे मुद्दे ते पंजाब दी जनता लंबे समय तो इंसाफ दा इंतजार कर रही है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों ने अपने जवान पुत्तां नूं इस नशे करके ही गुआया, लेकिन हुण इस वड्डी कारवाई तो बाद लगदा है कि जल्द ही यह मुद्दा हल हो सकदा है। हालांकि विरोधियों ने यह भी कहा कि यह कारवाई नीति तहत हुई है, हुण देखना होगा कि सियासत तो हट के पंजाब दी जनता नूं इस मामले च इंसाफ कद मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।